हेलो एवरी वन, वेलकम टू अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रेटजी SSJEE एग्ज़ाम में रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है SSJEE के एग्ज़ाम में, लेकिन जो मैटर करता है रीजनिंग में वो करती है स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी फास्ट आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में 40 तक सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन 40 to 50 तक जाने में आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको डालना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने होंगे। वही डिफरेंस होगा जो आपको पेपर क्लियर कराएगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी रीजनिंग के टॉपिक्स मीन्स चैप्टर्स के नेम एंड उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है SSJEE एग्ज़ाम में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो हमारे नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स 5 to 6 मार्क्स के आते हैं। आप सभी नंबर्स याद कर लेंगे A to Z की, कि कौन सा किस नंबर पे आता है। सेकंड आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है हमारा 9 to 10 मार्क्स का। एनालॉजी हमारी आती है 6 to 7 मार्क्स की। ओड वन आउट आता है हमारा 2 to 3 मार्क्स का। सिलोलिज्म आता है हमारा 2 to 3 मार्क्स का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आते हैं 2 to 3 मार्क्स के। डायरेक्शन भी हमारी 2 to 3 मार्क्स की ही आती है। सेटिंग अरेंजमेंट के आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग लाइक कंप्लीट द इमेज एंड एम्बेडेड इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, ये सब आपको 5 to 6 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम हमारा 2 मार्क्स का आएगा। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स के आएंगे एंड मिसलिनियस 3 to 4 मार्क्स के आएंगे। तो आप ये सारे जो मैंने अभी बताए हैं आपको अपने डायरी में नोट कर लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिवोट करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रीजनिंग चैप्टर वाइज करें, क्योंकि इससे आपको आपकी पकड़ अच्छी होगी चैप्टर की एंड आपको अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि यदि आप डे प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन लगे और वो आप ना कर पाए, तो इससे बेटर है कि आप चैप्टर वाइज करिए, इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, पहले चैप्टर वाइज करें एंड लास्ट की 15 to 30 डेज में आपको डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है रीजनिंग का। डेली आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।